हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे इस वीडियो में संस्कृत के 10 क्वेश्चन जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आए थे। और मैं अजय, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन 20। हाँ, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है, सैले सैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधु न ही सर्वत्र चंदनम न बने बने। तो यहाँ पे अस्मिन श्लोके सर्वत्र के न भवन्ति। तो यहाँ पे देखिए जो आपका आंसर हो जाएगा, ये साधो न ही सर्वत्र चंदनम न बने बने। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। 21 का क्या हो जाएगा, सेकंड। ये मैं फिर से बता दे रहा हूँ, संस्कृत का क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आए थे। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, फिर सूर्योदय पद में प्रयुक्त समास है। तो यहाँ पे सूर्योदय, सूर्य का उदय यानी कि कारकार है। तो यहाँ पे कारक किस में आता है, तत्पुरुष समास में आता है, ठीक है। ये थर्ड हो जाएगा राइट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलोत्पलम में कौन सा समास है। तो यहाँ पे देखिए, अगर पहला वर्ड जो होता है वो विशेषण होता है, किसी चीज़ को विशेष, मतलब किसी चीज़ की विशेषता को बता रहे हैं, यानी कि नीला है। तो ये प्रॉपर्टी किस में होती है, कर्मधारय समास में। पहला आपका क्या हो जाता है, विशेषण होता है, ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाश्यति क्रियापद में लकार। तो यहाँ पे जो 24 है इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, लुट लकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा लुट लकार, ये तो याद करना पड़ेगा आपको। फिर इसके बाद ये पैराग्राफ बेसिस पे क्वेश्चन है, उदेति सविता ताम्र एव अस्त मेति च संपतो विपतो च महता मेक रूपता सविता किदृश उदेति। तो यहाँ पे क्या बोला गया, ताम्र ऊपर ही दिया गया है। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ताम्र। एंड आगे देखेंगे 26 नंबर यहाँ पे दिया गया है, पितृश्वसा का अर्थ, इसमें बुआ चाची ताई मौसी, इसका संस्कृत में क्या मतलब होता है, अगर मतलब संस्कृत में दिया गया है, हिंदी में पूछा गया है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, बुआ होता है इसका मतलब। एंड 27 बोला गया है, गम धातु लिटिल अकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप कौन सा है। तो ये इसका राइट आंसर है गमिष्यति। देखिए धातु रूप क्या है, शब्द रूप, ये तो हमें याद करना ही पड़ेगा तभी आप सही कर पाओगे। ये वेरी सिंपल क्वेश्चन दिया था, महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है, 14 होती है। एंड नेक्स्ट है, गाह पद में विभक्ति वचन है, प्रथमा द्वितीय बहुवचन पंचमी एक वचन सप्तमी एक वचन। तो ये भी लर्निंग वाला प्रोसेस है, तो इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर, द्वितीय बहुवचन सेकंड, 29 का सेकंड हो जाएगा। एंड 30 देखेंगे, ये आपका प्रत्यय है, हसंति प्रद में प्रत्यय है, तो ये हो जाता है सत प्रत्यय, सत्री प्रत्यय। ये थे संस्कृत के 10 क्वेश्चन। और हाँ, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।